नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 1920 में भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म हुआ था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव किए थे। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह परीक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था। आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह परीक्षेपण केंद्र का प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। भारत सरकार की ओर से 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1992 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोग्राम का एक रोबोट मार्स ऑब्जर्वर स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा था। इसका नाम मार्स जियो साइंस क्लाइमेटोलॉजी ऑर्बिटर था। इस रोबोट का उद्देश्य था मंगल ग्रह की सतह, वातावरण, मौसम और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना। यान मंगल की कक्षा में पहुंचता उससे 3 दिन पहले 21 अगस्त 1933 को नियंत्रण केंद्र का संपर्क यान से टूट गया। इसके बाद इससे कोई संपर्क नहीं बन सका। 1994 में फिर सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन कमेटी ने उच्च प्राथमिकता वाला मार्स मिशन बनाया। इस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के 1 साल यानी 687 दिन तक इस ग्रह को देखना था। 1 साल से थोड़े कम में यह अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंच गया था। इसके बाद 2012 में मार्स रोवर नाम का मशहूर अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंचा, जिसने इस लाल ग्रह के बारे में बहुत जानकारी और तस्वीरें धरती पर भेजी। आज ही के दिन 1916 में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत व सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर के मनमुटाव के कारण पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1955 में भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्मा बाई का निधन हुआ था। रुक्मा बाई राउत भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। वह एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना था। रुक्मा बाई को डॉक्टर बनने की इच्छा थी और वो लोगों की सेवा करना चाहती थी। इसके लिए लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में भेजने और पढ़ाई के लिए एक फंड तैयार किया गया। वहां से रुक्मा बाई ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1895 में वापस भारत लौटी। रुक्मा बाई ने सूरत के महिला अस्पताल को चुना। उन्होंने जीवन भर डॉक्टरी की। डॉक्टर रुक्मा बाई एक सामाजिक सुधारक भी थी, जिन्होंने कई बुराइयों के लिए आवाज उठाई और महिला और बाल अधिकारों के लिए खुलकर बोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 25 सितंबर दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। निजी जीवन में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धनी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। करियर में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। करियर में लाभ के योग हैं। पराक्रम व साहस से वृद्धि होगी। समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशंसा प्राप्ति होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी बीमारी के प्रभाव में आने पर आपका शीघ्र चिकित्सा उपचार लेना चाहिए। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। आप चाहें तो कार्य क्षेत्र में नई राह बना सकते हैं।
कुछ कमी का अनुभव हो सकता है, समय आपके अनुकूल नहीं है, काम का बोझ अधिक है, जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं, मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। निराशाजनक स्थिति उत्पन्न होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, अपनी सूझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला नीला। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। न केवल आपके काम बनेंगे बल्कि अच्छी आमदनी होने की भी योग हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है, सफलता के योग हैं, निजी जीवन सुखी रहेगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला व बसंती। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%। दूसरों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी, वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें, जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें, अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। यात्रा मनोरंजक रहेगी, नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं, विवाद से बचें, निवेश यात्रा व नौकरी मनोकूल रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। किसी योजना को लेकर आपकी अपने बॉस से भिन्न धारणा हो सकती है, आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है, सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा, संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं, घरेलू समस्याओं के घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। आर्थिक विषयों की योजना बनेगी, चिंता और तनाव कम होगा, जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे, व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे, शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। लंबित काम संपन्न होंगे, आपके सचेत रहने की प्रवृत्ति आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा, जोश के साथ काम करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। आपका नियोजन प्रोफेशन परिवार के लोगों से जुड़ा हो सकता है, संपत्ति से संबंधित मामलों में भी परेशानी हो सकती है, नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे, व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है, माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से दोपहर 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121266888 तथा 0983700600046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।